मेरा नाम आशा था। मेरे फादर को न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी। सो उनका मोर देन 90% वोकल आर्टरी तो जो थी वो डैमेज हो गई थी। हम लोग दिनेश शर्मा सर के अंदर आए थे तो उन्होंने सर्जरी सजेस्ट की। एटर्नल हॉस्पिटल आए, अजमेर के रहने वाली हूँ मैं वैसे तो, बट हमें एटर्नल हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रम सर को सजेस्ट किया गया था। तो विक्रम सर ने पापा की सर्जरी की। पहले पापा की कंडीशन जब हम लेकर आए थे तो पापा बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे। एक हैंड और लेग में प्रॉब्लम हो गई थी कि वो चलने में काफ़ी इशू हो रहे थे उनको और काफ़ी कुछ डैमेज हो गया था। बट सर की सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी कुछ बोल भी पा रहे हैं हल्का फुल्का। बाकी ऐसा है कि टाइम लेता है जो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट सर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला, सर्जरी सक्सेस हुई और अब कुछ टाइम में शायद डॉक्टर्स वगैरह सबके सपोर्ट के साथ शायद पापा फिर से पहले जैसे रेडी हो जाए। एंड आई रियली थैंक फॉर टू ये हॉस्पिटल, एटर्नल हॉस्पिटल, कंप्लीट स्टाफ यहाँ का बहुत सपोर्टिंग था। सर ने काफ़ी अच्छी सर्जरी की, जो सपोर्टिंग डॉक्टर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। एंड होपफुली होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।